अगर आपके पास है एक ब्लॉगर वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और हो गया है ये मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल और आपने किया है अप्लाई और गूगल ने कर दिया उसको अप्रूव, अब आप सोच रहे होंगे अब इसको एडसेंस से लिंक कैसे करें, और एडसेंस से लिंक करते वक्त आ रही है वो एक दिक्कत जो किया है मैंने फेस। अगर आपकी और मेरी प्रॉब्लम है सेम तो देखिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मैंने फिक्स किया है हो सकता है वैसा ही सेम आपके लिए काम आए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे पास पहले से ही एक ब्लॉगर का अकाउंट था और मैंने उस पे एक एडसेंस का अकाउंट लिंक किया हुआ था जो अंडर रिव्यू पड़ा हुआ था, उसमें मैं कई बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ आपसे यूट्यूब के बारे में। तो हाँ दोस्तों, मोनेटाइजेशन के लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप करते हैं अप्लाई, तो आपको अब आप सोचते होंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी है, वीडियो बनाई है तो अर्निंग होनी चाहिए, तो ये भाई इसमें भी कोई गलत बात है नहीं। तो जैसे ही आप करते हैं ट्राई अप्लाई करने के लिए मोनेटाइजेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप में YouTube आपसे बोलता है कि एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें या एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसको लिंक करें। और जैसा कि गूगल की पॉलिसी आप सब जानते हैं कि एक बंदा एक अकाउंट से एक आईडी से एक कंट्री में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है, तो मेरा पहले से ये बना हुआ था। मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको कैसे शॉर्ट आउट किया है ये भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक ब्लॉगर का अकाउंट है और आपने उसको किया है लिंक पहले से ही किसी गूगल के एडसेंस अकाउंट से, उसके बाद आपका एक यूट्यूब चैनल भी होता है और यूट्यूब चैनल से आप चाहते हैं कि मैं इसको भी उससे लिंक करूं, और उस वक्त आपको एक मैसेज ये आता है कि आपका एक अकाउंट ब्लॉगर या वेबसाइट का एक एडसेंस अकाउंट से ऑलरेडी लिंक्ड है और वो अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है, और अब जब आपका यूट्यूब अकाउंट हुआ है अप्रूव्ड और आप चाहते हैं इसको मोनेटाइज करना, इससे अर्निंग करना, और जैसे ही आप कोशिश करते हैं कि मैं इसको लिंक करूं और लिंक करते वक्त आपको मैसेज आता है कि एक चैनल पहले से आपका अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है, अगर आप इस यूट्यूब अकाउंट को इस एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट से लिंक करते हैं तो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर दिस YouTube चैनल, मतलब जो नया वाला YouTube चैनल है, जो भी YouTube चैनल है आपका नया हो या पुराना, उस पे अगर लिंक करते हैं तो उस पे इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि उस एडसेंस अकाउंट से पहले से किसी एक ब्लॉगर या वेबसाइट लिंक था जो अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है। और हालांकि आपका ये वाला जो YouTube है जो आप लिंक करने वाले हो वो अप्रूव हो चुका है, आपको सिर्फ एडसेंस से लिंक करना है और अपनी अर्निंग चेक करनी है। तो उसमें मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है, उसको कैसे शॉर्ट आउट किया है, हो सकता है कि दोस्तों आपका और मेरा प्रॉब्लम सेम हो, जो मैंने उसको फिक्स करने के लिए कोशिश की है। हालांकि मैंने गूगल पर बहुत रिसर्च किया, कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं, मैंने अपने आप से थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया है, आप भी कर सकते हैं, अपने थोड़ा दिमाग यूज करें, आपके पास सॉल्यूशन है, आप खुद ही कर सकते हैं। तो कैसे पहले वाला अकाउंट हटा के नया अकाउंट उसमें लिंक करते हैं, पहले वाला अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा, उसको क्लोज कर देंगे और जो वही अकाउंट जो एग्जिस्टिंग आपका एडसेंस का अकाउंट है उसी में आपका जो वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है उसको लिंक करते हैं, वो कोई इशू नहीं करेगा और आप उसको अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने एडसेंस के अकाउंट को यूट्यूब अकाउंट से मोनेटाइजेशन के लिए लिंक करने में जो इशू फेस कर रहे हैं उसको शॉर्ट आउट कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष भक्त और आप देख रहे हैं SBIT ऑनलाइन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि कैसे मैंने किया है। थैंक यू। Baby.
जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं दिखाऊंगा हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू अप्लाई फॉर एडसेंस और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको अर्निंग कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं आगे प्रोग्रेस करता रहेगा मेरा चैनल, मैं वैसे वैसे ही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा।